नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्लैशिंग होम के अंदर। और आज की वीडियो हम सब बात करने वाले हैं इंजीनियर बेस के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, इतनी मुश्किल से हम वीडियो की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं आपको। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब जानते ही हैं, सुपर सेल ने अनाउंस कर ही दिया था कि जो इंजीनियर बेस है वो बैन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बिल्कुल इंजीनियर बेस जो है वो बैन होने वाले हैं। अब आगे से आप इंजीनियर बेस नहीं बना सकते हो। जी हाँ, क्योंकि सुपर सेल ने अभी न्यूज़ में लिखा ही था कि अगर आप टाउन हॉल को अपग्रेड करना चाहते हो तो आपकी जो डिफेंस है वो सारी ही सारी लेआउट के अंदर होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका जो है टाउन हॉल अपग्रेड नहीं होगा। जैसा कि बिल्डर हॉल के अंदर होता है, बिल्डर हॉल भी तभी अपग्रेड होता है जब आपका टाउन हॉल अपग्रेड होगा, सॉरी बिल्डर हॉल अपग्रेड होगा। तो इसी तरीके से इनका जो है न्यूज़ आ चुका है। तो अगर दोस्तों आपको बचना है बैन होने से तो मेरे बताए हुए रूल्स फॉलो कीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इंजीनियर बेस हैं तो आप जरूर, मान लो आप नहीं चाहते कि हम अपग्रेड करें तो कोई बात नहीं, कम से कम आप जो डिफेंस है वो तो ला सकते हैं ना, मत अपग्रेड कीजिए, तब भी आपका जो है इंजीनियर बेस ही माना जाएगा ना। ये तो है नहीं कि आप एक मैक्स प्लेयर माने जाएंगे, नहीं, आप अपग्रेड मत कीजिएगा, बस इतना सा काम कर लीजिए, आप बैन नहीं होंगे बस। तो ये थी मेरी राय दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये राय मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।